पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिंचाई विभाग द्वारा करोड़ों की लागत से ग्राम खेड़ी फिरोजाबाद में गंग नहर पर बनाया गया पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यह पुल निर्माण के 6 महीने बाद ही धराशाही हो गया और इस पुल में दरारें आने के कारण विभाग द्वारा इस पुल को बंद कर दिया गया। इस पुल के निर्माण के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर था, जिसके बाद इसका कार्य शुरू हुआ और ठेकेदार की तरफ से खराब मटेरियल के उपयोग के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका खामियाजा आज ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। करोड़ों खर्च होने के बावजूद भी यह पुल ग्रामीणों के काम नहीं आ रहा और एक ओर जहां अंग्रेजों के जमाने में बिना सरिये व सीमेंट से बनाया गया पुल आज भी अपने स्थान पर मजबूती के साथ खड़ा है, वहीं अब 14 ग्रामों के संपर्क मार्ग का बस यही सहारा रह गया है। अनुष्या ब्रांच नहर पे जो पुराना पुल था कमज़ोर हो गया था, तो ये 2013-14 में नया पुल बनवाया गया था जी। इसकी आपने शिकायत वगैरह भी की? हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने देखा कि इसमें मटेरियल मानक के अनुसार नहीं था, निम्न कोटि का था और उसकी मात्रा भी कम थी। मैंने इसकी शिकायत शासन को की थी जी। शासन के आदेश पर चीफ इंजीनियर ईस्ट यहाँ जांच के लिए आए थे। तो फिर क्या कार्रवाई हुई इसमें? उनसे भी मैंने इसके फैक्ट्स बताए। बाकी मिस्टर एचएन सिंह जो उस समय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनसे मिली भगत करके मामले को रफा दफा कर दिया गया और बिना किसी सुधार के सामग्री के मानकों में बिना किसी सुधार के इस पुल का निर्माण पूरा कर दिया गया। अब फिलहाल पुल जर्जर हालत में है? पुल जर्जर हालत में नहीं, पुल इस स्थिति में नहीं है। 11 महीने करीब, लगभग 11 महीने हो गए, ये इसके खंभे पिलर्स जो हैं टूटे हुए हैं और इसे ऊपर गर्डर लगा के बंद किया हुआ है, जिससे पूरे इलाका 11-12 गांव को आवागमन में दिक्कत है। जो आगे पुल पर है।